टू माय चैनल। तो देखिए अष्टमी का इवनिंग में मैंने कैसे तैयार हुई हूँ। मेरा पंचमी से लेकर दसवीं तक मेरा लुक मैं सब आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं कैसे कैसे तैयार हो रही हूँ। और देखिए यहाँ पे चल रहा है प्रोग्राम, हम मंडप पे आ चुके हैं, यहाँ पे चल रहा है ऑर्केस्ट्रा, लेकिन मैंने यहाँ का आवाज़ बंद कर दिया क्योंकि गाने की वजह से कॉपीराइट क्लेम आ सकता था, इसीलिए यहाँ पे चल रहा है ऑर्केस्ट्रा। तो यहाँ पे ऑर्केस्ट्रा देखने के बाद हम जाएंगे और एक मंडप पे दर्शन के लिए, क्योंकि हमारे पुणे सिटी पे तीन तीन दुर्गा पूजा होते है, जो शिवाजी नगर पे है पुणे में, कांग्रेस भवन वही मेन है, सबसे पहले वहीं से होता है। तो हम वहाँ पे जाएंगे दुर्गा माता के दर्शन करने के लिए। तो चलिए थोड़ा सा ऑर्केस्ट्रा को एंजॉय कर लेते हैं, उसके बाद जाएंगे कांग्रेस भवन पे। और देखिए फ्रेंड्स, ऑर्केस्ट्रा देखने के लिए कितनी भीड़ जमा हुआ है यहाँ पे, है ना, बहुत सारे लोग देखिए यहाँ पे बैठे हुए हैं, कुछ लोग तो खड़े हुए हैं क्योंकि बहुत भीड़ है। सब लोग कर रहे एंजॉय, हिंदी बॉलीवुड गाने पे हो रहा है डांस, तो सब लोग कर रहे एंजॉय। तो चलिए थोड़ा सा ऑर्केस्ट्रा को एंजॉय कर लेते हैं। और देखिए यहाँ पे हमने ऑर्डर किया था पनीर मंचूरियन, क्योंकि मेरा आज उपास है तो इसलिए मैंने नहीं खाया, लेकिन बच्चों के लिए ऑर्डर किया था तो बच्चे खा रहे हैं पनीर मंचूरियन। मॉडल कॉलोनी बासिंदा अंकिता जाना फर्स्ट टाइम शी इज पार्टिसिपेटिंग इन दुर्गा पूजा। ये मेरी ब्यूटी से है। देखिए यहाँ पे चल रहा है धुनोची नाच का कंपटीशन, ये मतलब हमारे बंगाली ट्रेडिशन में होता है दुर्गा माता के पूजा के टाइम। देखिए ये जो मिट्टी का बर्तन होता है उसमें जो नारियल का ऊपर का जो छिलका रहता है उसमें आग बनाया जाता है, और धुना मतलब एक पाउडर मिलता है वो डाल के, वो उसको धुना बोलते हैं, पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं, फिर ये लेके डांस करते हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये मुझे बहुत बहुत दिनों से इच्छा थी कि ये साल मैं धुनोची नाच करूँ, पता नहीं मतलब इतना इच्छा क्यों हो रही थी। ऐसा बोलते हैं ना कि अगर आपकी मन की कोई इच्छा हो तो बहुत ज़ोरों से तो वो भगवान भी पूरी करती है, तो इसलिए दुर्गा माता ने मेरी मन की बात पूरी की। मैंने भी यहाँ पे धुनोची नाच किया, मैंने कंपटीशन में पार्टिसिपेंट नहीं लिया क्योंकि ये पहले से ऑलरेडी पार्टिसिपेंट का नाम लिखा हुआ था, तो इसलिए मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि मुझे कॉम्पिटिशन में नहीं लेकिन धुनोची नाच डांस करने की परमिशन दे दे। तो उन्होंने इतने लोगों के बीच में से मुझे बुलाया, मुझे इतना अच्छा लगा, उन्होंने कहा आप अकेली आ सकते और कोई नहीं आ सकते, तो मैंने फिर उन लोगों के साथ मैंने भी डांस किया। वो वीडियो आपको आगे दिखेगा, वीडियो आगे ही है, लेकिन पहले मैं जो लोग कंपटीशन में पार्टिसिपेंट थे जेंट्स लेडीज उनका वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि वो लोग प्रोफेशनल डांसर हैं। कोई कोई प्रोफेशनल डांसर भी नहीं है लेकिन बहुत अच्छे से धुनोची नाच किया है, कंपटीशन में हिस्सा लिया है, इतना सुंदर से देखिए, ये आपको बहुत अच्छा लगे, ये आपको कहीं नहीं दिखेगा। हाँ बंगाली लोगों को तो पता ही है ये ऐसे होता है और देखते भी है, लेकिन और भी मेरे जो फ्रेंड्स हैं जिनको ये शायद आपने टीवी में या वीडियो में देखा होगा, लेकिन मैं अपने वीडियो के जरिए आपके साथ शेयर करना चाहती थी धुनोची नाच।
तो फ्रेंड्स वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि वीडियो बहुत अच्छा है, बहुत इंटरेस्टिंग और धमाकेदार है। ये कंपटीशन होने के बाद इसके आगे आएगा मेरा धुनचिना, जो मैं आपके साथ बहुत मतलब शेयर करना चाहती थी और मैंने बहुत मन से किया, मुझे बहुत खुशी हुई ये सब धुनची डांस करके। तो इसलिए फ्रेंड्स देखते रहना, आगे मेरा धुनची डांस आपको दिखेगा। Dhunachi Nach dekh rahe, it's an honor for us. Thank you very much, madam. Next. तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए एक छोटी सी बच्ची कर रही है धुनची डांस में परफॉर्मेंस, और उसने इतना स्पीड में, इतना फास्ट और इतने सुंदर से किया, सब लोगों ने बहुत सारी तालियां बजाई और दिखने में भी बहुत अच्छा लगा। पता नहीं वीडियो करते करते मेरे हाथ में गलती से कैमरा शायद उल्टा हो गया था, इसलिए वीडियो थोड़ा ऐसा है। फ्रेंड्स मुझे माफ़ कर देना गलती के लिए, लेकिन ये इतना अच्छा था तो ये वीडियो मैं आपके साथ बिना शेयर के रह नहीं पाई, नहीं तो मैं इसको डिलीट कर सकती थी। लेकिन इस छोटी बच्ची का डांस मुझे इतना अच्छा लगा तो इसलिए मैंने आपके साथ भी शेयर किया। तो देखिए इतनी इसने कितना सुंदर से ये डांस किया है। तो धुनची डांस का कंपटीशन ख़त्म हो गया, और देखिए उनके सब ग्रुप के मेंबर्स के लेडीज़ है और डांसर्स भी है शायद उनके साथ, तो उनके अभी वो लोग कर रहे धुनची डांस। और देखिए ये जो पिंक कलर की ब्लाउज और ब्लू और पिंक साड़ी में बालूचरी सिल्क में, कौन है ये? मैं हूँ फ्रेंड्स। मैंने भी किया यहाँ पे धुनची डांस। मैंने कहा था ना कि अष्टमी का इवनिंग का धमाकेदार वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो देखिए
मैंने किया है ये धुनची डांस, तो ये हुई ना बड़ा धमाका, क्योंकि मुझे ये साल बहुत इच्छा हो रही थी कि मैं धुनची डांस करूँ। बहुत ज़ोर शोर से पता नहीं, मैंने एक बार बहुत साल पहले किया था, लेकिन ये साल मुझे इतना मतलब इतने करना ही था, ऐसा हो रहा था। तो ऐसा बोलते हैं ना कि आप कुछ चाहते हो तो अगर बहुत जोर से आपकी इच्छा हो तो भगवान भी आपकी बात सुन लेते हैं। तो शायद दुर्गा माँ ने मेरी बात सुन ली और मेरी मनोकामना पूरी कर दी और मुझे यहाँ पे चांस मिल गया, क्योंकि यहाँ पे बाहर के लोगों को चांस नहीं मिलता है डांस करने के लिए। लेकिन मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि मुझे धुनची डांस करना है, तो उन्होंने कहा कॉम्पिटिशन में तो पहले ही हो चुका है तो आप कर नहीं सकते। मैंने कहा मुझे कॉम्पिटिशन में नहीं, लेकिन मुझे दुर्गा माता के सामने धुनची डांस करना है, तो इसलिए उनके साथ मुझे करने की चांस दिया, परमिशन दिया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और तो मैं उनको थैंक यू भी बोलना चाहती हूँ। और मुझे इतना सुंदर लगा ना, मतलब बहुत अच्छा, जब ये ढाक बजता है ना तो मतलब मेरे पैर अपने आप थिरकने लगते हैं। और मुझे इतना आता नहीं है क्योंकि मैं प्रोफेशनल ऐसा डांसर नहीं हूँ, लेकिन जैसे भी आता है उनको मैंने किया और मैं बहुत खुश हूँ। तो देखते रहिए मेरा धुनची डांस का परफॉर्मेंस। मैंने भी दोनों चीज नाच किया और मेरा मन होना पूरी हो गई, मुझे बहुत ही इच्छा थी कि मैं दोनों चेंज करूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा पसंद पसंद आ गई, तो चलिए हम यहाँ पे लगाएं स्टॉच और खा लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये कांग्रेस भवन में सारे बंगाली आइटम्स मिलते हैं, बंगाली फूड, बंगाली स्वीट्स, तो सारे कुछ मिलता है। नॉन वेज वेज आपको जैसे खाना पसंद है आप वैसे खा सकते हो। हाँ, लेकिन जिनका उपवास रहते हैं तो उनके लिए भी अलग से वेज भी मिलता है। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल लगा है और बहुत सारे टेस्टी टेस्टी बंगाली फूड मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा, ऑल आइटम इज बंगाली। तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, चिकन राइस बहुत सारा कुछ बना है, लेकिन मेरा आज उपवास है अष्टमी का, तो इसलिए मैंने खाया पूरी और आलू की सब्जी, जिसको बंगाली में लीची आलू दम बोलते हैं। बच्चों ने खाया है एग रोल, क्योंकि मेरा उपवास था इसलिए मैंने नॉनवेज नहीं खाया। तो देखिए यहाँ पे इतने सुंदर सुंदर स्टॉल लगा है और सुंदर सुंदर चीज़ें मिल रही है। देखिए दुर्गा माता की मूर्ति इतने सुंदर है, दुर्गा माता की मूर्ति बहुत सुंदर है और भी बहुत सुंदर सुंदर। देखिए दिया है, हेयर बैंड है, ज्वेलरी भी है, सब कुछ है, लेकिन मुझे ये दुर्गा माता की मूर्ति सबसे अच्छी लगी, यहाँ की बेस्ट लगी मुझे। तो दिया भी मिल रहा है, बहुत सारा कुछ, देखिए ज्वेलरी है और यहाँ पे कान का इयर रिंग्स, झुमके बहुत सुंदर सुंदर है, सिल्वर है, गोल्डन है, बहुत सारे कुछ है। और जिसके ऊपर ये लगाया गया ना ये स्टैंड, मुझे काफ़ी पसंद आया
और यहाँ पे देखिए मिल रहे कॉटन की साड़ीज, हैंडलूम साड़ीज, कुर्ता वगैरह, तो सारे बहुत सुंदर सुंदर है। हाँ, प्राइस थोड़ा यहाँ पे हाई होता है क्योंकि कांग्रेस भवन पे जो भी स्टॉल लगता है, ये जो फूड का स्टॉल है, फूड भी हाई रेंज वाला होता है, मतलब बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। इसलिए मैंने यहाँ से कुछ भी शॉपिंग नहीं किया है क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं जिनको बंगाल की साड़ीज़ वगैरह पसंद आती है, तो वो लोग यहाँ से लेते हैं, तो ये लोग कुछ दाम बढ़ा चढ़ा के ही बोलते हैं। हमारे कोलकाता में साड़ी इतनी महंगी भी नहीं है, तो इसलिए मैंने यहाँ से कुछ नहीं लिया है। लेकिन ये सुंदर सुंदर कलेक्शन मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी, इसलिए मैंने शेयर किया है। मैंने ये साड़ी का रेट पूछा तो इतना बोला क्योंकि मैं भी कोलकाता से साड़ी लाती हूँ, हम तो उधर की है, तो इसलिए हमें पता है कि साड़ी का रेट कितना है। लेकिन उन्होंने कुछ ज़्यादा ही बोला, तो इसलिए मैंने यहाँ से कुछ शॉपिंग नहीं की, सिर्फ ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं स्टॉल पे क्या क्या लगा है। और पता है क्या फ्रेंड्स, मैं जब वीडियो निकाल रही थी यहाँ पे बार बार लाइट बंद हो रहा था और चालू देखिए लाइट जा रहा था, तो देखिए लाइट एक बार चली भी गई है, तो मैंने वही कम लाइट में थोड़ा सा वीडियो आपके साथ शेयर किया है। तो फ्रेंड्स देखते रहिए वीडियो और क्या क्या है आगे स्टॉल पे, वो भी आपके साथ शेयर करती हूं। है यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल लगे हुए हैं और ज्वेलरी, कॉटन की साड़ी, हैंडलूम साड़ी बहुत सुंदर सुंदर मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, आज का मेरा ये वीडियो यहीं पे मैं ख़त्म कर रही हूँ, यहाँ पे बार बार लाइट जा रहा है। तो आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना, बहुत ज़्यादा शेयर कर देना, और मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि मेरा नेक्स्ट इंटरेस्टिंग सा वीडियो आपके पास पहले ही पहुँच जाए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं मेरा नेक्स्ट वीडियो पे, बाय बाय। मिलते हैं मेरा कल का नवमी का वीडियो से, तो चलिए बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर एंड शुभ अष्टमी फ्रेंड्स।